जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एआर डिफेंस क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त बीके जोशी। तो आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं छत्तीसगढ़। इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप कोई सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हों उसके लिए यह वीडियो या क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए धमतरी, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा, ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए धमतरी। प्रसिद्ध रुद्री बांध जो है आपका धमतरी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण किस नाम पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी दंतेश्वरी माई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बस्तर, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र कर्मा। जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दंतेश्वरी माई। जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण आपका दंतेश्वरी माई के नामकरण से किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए राउत नृत्य, ऑप्शन नंबर बी पंथी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी सुआ नृत्य, ऑप्शन नंबर डी कर्म नृत्य। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सुआ नृत्य। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है बोलेगा तो आपका सुआ नृत्य है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा बोलेगा तो आपका राउत नृत्य है, याद रखिएगा। राउत नृत्य जो है पुरुष के द्वारा होता है सिर्फ, और महिलाओं के द्वारा बोलेगा तो आपका सुआ नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर ए चित्रोत्पल्ला, ऑप्शन नंबर बी पंचानंदा, ऑप्शन नंबर सी आपका हिमपुत्री, ऑप्शन नंबर डी हिमनदी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चित्रोत्पल्ला। महानदी का प्राचीन नाम आपका चित्रोत्पल्ला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महलवा महल किस वंश की संस्थापक पर कला का नमूना है? आपका ऑप्शन नंबर ए छिंदक नांग वंश, ऑप्शन नंबर बी सोम वंश, ऑप्शन नंबर सी फड़ी नांग वंश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी फड़ी नांग वंश। जो मड़वा महल है, जो मड़वा महल है आपका फड़ी नांग वंश सतापे का कला का नमूना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए तीजा महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी गोचा महोत्सव, ऑप्शन नंबर सी भोरम देव महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी मलाई महोत्सव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी गोचा महोत्सव। छत्तीसगढ़ के जो गोचा महोत्सव को रथ महोत्सव कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर ए बारसूर, ऑप्शन नंबर बी पाटन, ऑप्शन नंबर सी बलौदा बाजार, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दल्ली राजहरा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बलौदा बाजार। पौराणिक स्थल तुरतुरिया जो है आपका बलौदा बाजार में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कलचूरी शासन ने बादल महल बनवाया था? आपका ऑप्शन नंबर ए कल्याण साय, ऑप्शन नंबर बी राज सिंहदेव, ऑप्शन नंबर सी आपका बादल सिंहदेव, ऑप्शन नंबर डी रतन देव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी राज सिंहदेव। राज सिंहदेव ने कलचूरी शासक ने जो बादल महल बनवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? आपका ऑप्शन नंबर ए तीजा, ऑप्शन नंबर बी आपका रामनवमी, ऑप्शन नंबर सी जन्माष्टमी, ऑप्शन नंबर डी गणेश चतुर्थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए तीजा। तीजा त्यौहार में जो स्त्रियां जो है निर्जला उपवास रहती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ की प्रयाग के नाम से खाली स्थान
प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राजिम, ऑप्शन नंबर बी रतनपुर, ऑप्शन नंबर सी सिरपुर, ऑप्शन नंबर डी तीरथगढ़। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राजिम। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से राजिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर ए हलवा, ऑप्शन नंबर बी मुड़िया, ऑप्शन नंबर सी उराव, ऑप्शन नंबर डी बैगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मुड़िया। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति जो है आपका मुड़िया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भतरा, ऑप्शन नंबर बी आपका हलवा, ऑप्शन नंबर सी कुम्हार, ऑप्शन नंबर डी उराव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उराव। छत्तीसगढ़ का जो सबसे साक्षर जनजाति है आपका उराव जनजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खूंटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ, ऑप्शन नंबर बी महानंदी, ऑप्शन नंबर सी खारंग, ऑप्शन नंबर डी हसदो। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी खारंग। खूंटाघाट बांध जो है खारंग नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और कौन से जिला पर खूंटाघाट बांध स्थित है बोलेगा, तो आपका बिलासपुर जिला पर स्थित है, याद रखिएगा। खूंटाघाट कहाँ स्थित है? आपका बिलासपुर जिला पर स्थित है। और कौन से नदी पर स्थित है बोलेगा, तो आपका खारंग नदी पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी गीत कब गाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हरेली, ऑप्शन नंबर बी दीपावली, ऑप्शन नंबर सी दशहरा, ऑप्शन नंबर डी आपका होलिका दहन के समय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दीपावली। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी जो गीत जो है दोस्तों आपका दीपावली में गाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर ए हलवा, ऑप्शन नंबर बी जो है उराव, ऑप्शन नंबर सी आपका भिंजवाड़, ऑप्शन नंबर डी मुड़िया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हलवा। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति आपका कौन सा है? हलवा। और यदि सांस्कृतिक रूप से आपका, सांस्कृतिक रूप से बोलेगा तो आपका मुड़िया जनजाति है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति बोलेगा तो आपका मुड़िया है। और आर्थिक रूप से बोलेगा तो आपका हलवा है। और इसी में दोस्तों आपका सबसे साक्षरता वाला जनजाति बोलेगा तो आपका उराव है, सबसे साक्षरता वाला ना, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।